हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये मज़ेदार सा कीमा फ्राई, बिल्कुल ढाबे के जैसा। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और कितना अच्छा दिख रहा है। और इसको बनाने में फ्रेंड्स बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बनता है। ये देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, इसको हर कोई घर में बना सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। और ये हम इंजॉय कर सकते हैं नींबू और प्याज के साथ, आप पाव के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको मैं बनाना कैसे, इसके लिए मैं क्या क्या चाहिए। ये मैंने कढ़ाई रख ली है, मैं इसमें तेल डाल लूँगी अपने हिसाब से, आपको जितना तेल चाहिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ये मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं और ये एक टमाटर, थोड़ा सा ज़ीरा। अब मैं इसके अंदर प्याज को डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर हम अपना कीमा ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा बिल्कुल तल चुका है। ये मैंने पाव किलो कीमा लिया है, मशीन का कीमा। इसको मैं अच्छे से इसमें डाल दूँगी और इसको चला लूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो तेल डाला है ना, ये उसमें अच्छे से गल जाएगा और तल भी जाएगा, क्योंकि ये मशीन का है, हाथ का होता है तो वो थोड़ा देर में गलता है। टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी सारी चीज़ों को मैं मिला लूँगी। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। दो मिनट के लिए मैं गैस स्लो कर दूँगी और इसको पकने दूँगी, और मैं इसको भी ढककर रख दूँगी ताकि और अच्छे से भुन जाए। ये देखिए अभी दो मिनट के बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये कीमा बनके रेडी हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुका है, जो तेल है वो अलग हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूँगी, इससे क्या खुशबू भी अच्छी आएगी और कलर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं कटा हुआ, नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। ये देखिए तो फ्रेंड्स हमारा ये ढाबा स्टाइल कीमा फ्राई बिल्कुल बनके तैयार है। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी बनता है ये। तो बस आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।